स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए लेटेस्ट वीडियो में। जैसे कि ये वीडियो लेटेस्ट है लेकिन काफ़ी यूजफुल है, इंफॉर्मेटिव है, तो क्यों ना इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। पता है आप सभी को फिजिक्स केमिस्ट्री के प्रत्येक चैप्टर, जो आप क्लास टेंथ के विद्यार्थी हैं, आप सभी की जो फिजिक्स है केमिस्ट्री है प्रत्येक चैप्टर को मैं चैप्टर वाइज वन लाइनर ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ। और आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का लेसन 2 का जितना भी वन लाइनर ऑब्जेक्टिव है वो टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समाप्त करने वाले हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले से ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि लास्ट में होता ये है ना कि आप लोग भूल जाते हैं, लाइक करते नहीं हैं, तो क्यों ना वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब बिना देर किए और बिना बकवास किए हम लोग चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और उसका आंसर को समझते हैं। और ध्यान रहे कि बहुत जल्दी, ठीक है ना, ये ख़त्म होने के बाद तुरंत जो है ना लाइव ऑब्जेक्टिव होगा, यानी उसमें 4 ऑप्शन होंगे। कितने? 4 ऑप्शन होंगे, जिस 4 ऑप्शन में किसी एक को सही उत्तर लगाना होगा, यानी वन लाइनर ऑब्जेक्टिव के बाद पूरा का पूरा जो है ना वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। पूरा का पूरा साइंस में आपको 95+ दिलाने की गारंटी ज्ञापन एकेडमी ले रहा है। आप पूरा ज्ञापन एकेडमी के साथ जुड़े रहें, ये एक बहुत ही भरोसेमंद और बहुत ही अच्छा लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप सीख करके आप बिहार टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, ज़रा देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो भाई तंत्रिका के द्वारा होता है, तंत्रिका कोशिका देनी और तंत्रिका कोशिका द्वारा रसायनों के द्वारा होता है, ठीक है ना। उसके बाद से अगला जो प्रश्न है, तंत्रिका एवं रसायनों के द्वारा, सॉरी दूसरा प्रश्न है कि एब्सिसिक एसिड किस प्रकार का रसायन है? भाई एब्सिसिक एसिड, जैसे ही एब्सिसिक एसिड की बात आती है ना तो ये वृद्धि रोधक का काम करने लगता है, यानी कि ये पौधों के अंदर एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये वृद्धि रोधक का कार्य करता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब बीज रहित पौधों के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? तो ऑक्सीन तथा जिब्रेलिन्स होते हैं, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे, फल पकाने के लिए प्रयुक्त होने वाले हार्मोन होते हैं? तो भाई एथिलीन से क्या है? फल। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो प्रश्न है ना ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये लगभग हर एक साल गैपिंग के बाद ये प्रश्न पूछ ही लेता है कि फल पकाने वाले प्रयुक्त रसायन या हार्मोन का नाम बताइए, तो एथिलीन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है? ये भी मस्ट VVI लिख लीजिएगा, मस्ट VVI, और VVI का मतलब भोलो आई फिटाई मत सोच लीजिएगा, मतलब VVI का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो मेडुला होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, वृद्धि और चतुराई का केंद्र किसे कहा जाता है? तो भाई सेरिब्रम को कहा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, पौधे में समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे ज़रा, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसे कहा जाता है? तो भाई तंत्रिका कोशिका को, जैसे कि मैं इसके पहले वाली वीडियो में भी जियोपुरक्रम नामक जो चैप्टर था उसमें हम ऑलरेडी, ठीक है ना, ऑलरेडी मैं आपको बता दिया था कोशिका के बारे में, खूब जो है ना एक्सप्लेन किया था। और मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थियों को कहना है कि सर आप बहुत लंबी वीडियो बना देते हैं, बट लंबा होता है लेकिन काफ़ी इंफॉर्मेटिव होता है बाबू, आप लोग इस चीज़ को हल्के में लेने की कोशिश मत कीजिएगा। और मैं सच कह रहा हूँ ना कि आप जब बिहार बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे ना तो इसी से प्रश्न फंसेंगे। और आपको ये एक और बात बता दूँ कि जब आप इस चीज़ को हल्के में लेकर के जाएंगे और सोचेंगे भाई कोई दिक्कत नहीं है हम जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, एग्ज़ाम देकर जब आएंगे ना तो वीडियो से मिलाएंगे सारा के सारा प्रश्न इसी से मिलने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, लेकिन सबसे छोटी कोशिका क्या हो जाएगा भाई? शुक्राणु हो जाएगा। और सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है ना, तो वो हो जाएगा फीमेल अंडाणु, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, और मानव मस्तिष्क का आयतन कितना ml होता है? तो भाई 1650 ml होता है, ठीक है ना, लगभग 250 पाउंड के आसपास में होगा। मानव मस्तिष्क का भार कितना kg होता है? तो 1.5 kg का होता है, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं कि मानव मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? तो भाई 3। अब 3 वर्ग कौन कौन हो सकते हैं? एक हो गया अग्र मस्तिष्क, ये हो गया मध्यम मस्तिष्क, और तीसरा हो गया पश्च मस्तिष्क, ठीक है ना, पश्च मस्तिष्क हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, मानव मस्तिष्क की रक्षा करने वाली हड्डी को क्या कहते हैं? भाई क्रेनियम कहते हैं, ठीक है ना। और शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य कौन करता है? भाई सेरिबेलम करता है, ठीक है ना, ये पश्च मस्तिष्क में पाया जाता है। गोलार्ध में अनेक अनियमित आकार, ठीक है ना, ऊपरी रचनाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो भाई गायरस कहते हैं, ठीक है ना।
अब यहाँ देखिए दो गायरस के बीच अवनमन वाले स्थान को क्या कहते हैं भाई, तो सेल्कस कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा शरीर क्रियाओं के नियंत्रण और समन्वय में प्रयुक्त रसायन कहलाते हैं तो हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे, ठीक है ना, न्यूरॉन में ताराकार कोशिका काय को क्या कहते हैं, यानी जो तारा तारा टाइप का बना रहता है स्टार टाइप का, तो इसको साइटोन कहते हैं, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं तंत्रिका कोशिका के नष्ट होने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो भाई अल्जाइमर रोग होता है। और ये भी बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं, तंत्रिका कोशिका में विद्युत आवेग कौन उत्पन्न करता है, तो भाई कोशिका काय यानी साइटोन में होता है, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए कि अगला जो प्रश्न है वो कोशिका काय से आने वाली सूचनाओं का तंत्रिका के अंतिम सिरे तक कौन पहुँचाता है, भाई तंत्रिकाक्ष पहुँचाता है। अब देखिए एक मान के चलिए कि तंत्रिका कोशिका दूसरे तंत्रिका के बीच जो दरार होता है उसको सिनेप्स दरार कहते हैं, वहाँ पर एक रासायनिक विमोचन होता है और रासायनिक आवेग के द्वारा सूचना का हस्तांतरण होता है। तंत्रिका के अंतिम सिरे को क्या कहते हैं भाई, एक्सॉन कहते हैं उसके पूंछ को, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए तंत्रिका का अंतिम सिरा भी कह सकते हैं, एक्सॉन भी कह सकते हैं, तंत्रिका का पूंछ भी कह सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा 22 नंबर प्रश्न देखेंगे ज़रा, यहाँ पर एक्सॉन के चारों तरफ श्वेत चर्बीदार पदार्थों का आवरण होता है उसे क्या कहते हैं भाई, तो भाई मेडुलरी या मेलिन शीथ कहते हैं, ठीक है ना। और मेलिन शीथ में जो डॉट डॉट होता है ना, क्या बोलते हैं, डॉट डॉट को ही मेलिन शीथ बोलते हैं। और वो मेलिन शीथ क्या करता है ज़रा बताइए, तो वो मेलिन शीथ जो होता है ना वो सूचनाओं को और तेज बनाता है, मतलब तेज रफ्तार करने के लिए जो है ना उत्तेजना पैदा करता है, ठीक है ना। दो न्यूरॉन के बीच दरार को क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले इसी के बारे में चर्चा कर रहा था, उसको सिनेप दरार कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है, तो भाई मास्टर ग्रंथि कहते हैं। उसके बाद से अगला जो प्रश्न है किस ग्रंथि में आयोडीन अधिक मात्रा में होता है, तो भाई थायरॉइड ग्रंथि में, ठीक है। और थायराइड की कमी से घेगा रोग होता है, ठीक है ना, सॉरी हाँ मतलब आयोडीन की कमी से। यहाँ पर देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो लो यहाँ पर आ भी गया, घेगा रोग होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न देखेंगे रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण कौन करता है भाई, तो पाराथायराइड करता है। लेकिन कैल्शियम की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है ये आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप हमें कमेंट में आकर के पूछेंगे कि सर कैल्शियम, मान के चलिए रक्त में कैल्शियम की कमी से, ठीक है ना कमी से पारा कैल्शियम की कमी, ठीक है ना, कैल्शियम की कमी मात्रा मान के चलिए अगर रक्त में कैल्शियम की कमी है तो उस कमी की मात्रा को नियंत्रण करने का यानी कंट्रोल करने का काम पाराथायराइड के द्वारा होता है। तो मान के चलिए कि कैल्शियम की कमी से आपको आयरन रोग होता है, सॉरी यार देखो क्या बताऊँ यार, जल्दीबाजी में कुछ भी निकल जा रहा है फ्लो में, बट इसके लिए सॉरी। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रण करने के कार्य कौन करता है, पाराथायराइड। लेकिन अब आप सोचिए कि रक्त में कैल्शियम की, मान के चलिए कि आपको ब्लड की कमी आ जाए तो आप कहते हैं कि आपको एनेमिया हो गई, ठीक है ना। तो मान के चलिए कि अगर कैल्शियम की कमी है तो आप दूध वगैरह पी करके तो आप पूरा कर लेते हो, और कैल्शियम की कमी से हड्डी रोग जैसे कि प्रॉब्लम होती है, मान के चलिए कि आपके हड्डी और जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है कैल्शियम की कमी से, तो डॉक्टर क्या करता है आपको दवा लिखता है। लेकिन मान के चलिए कि अगर कैल्शियम अधिक मात्रा में रक्त में हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है, आप इसे कमेंट करके आप हमको बताइएगा। अगर नहीं पता होगा तो पूछ लीजिएगा कि सर रक्त में कैल्शियम की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है, मैं आपको कमेंट में ही जवाब दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएँ, ठीक है ना, किस रूप में संचित होती है, तो तंत्रिका आवेग के द्वारा होती है, ठीक है ना। सूचनाओं का स्थानांतरण मान के चलिए कि, ठीक है ना, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है, तो कशेरुकी दंड, ठीक है ना। ADH हार्मोन कौन स्रावित करता है, तो भाई पिट्यूटरी ग्लैंड। तो उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव ऑनलाइनर मैंने तैयार करके आप सभी के बीच शेयर करने की कोशिश किया, आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से दिमाग में फिट कर लिए होंगे, ताकि एग्ज़ाम जो आएगा इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन होगा आप सही आंसर करके आएंगे, थोड़ा भी अफसोस नहीं होने वाला है। ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी भी अपना एक चैनल है, वहाँ पर भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एंट्रेंस लेवल की तैयारी करवा रहे हैं, उस चैनल को भी जो है ना आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और ज्ञापन एकेडमी तो अपना एक चहिता जो है ना एक प्लेटफॉर्म है, जहाँ से उसके कई सारे जो है ना उसके साथ जो है ना प्लेटफॉर्म एसोसिएट है, जैसे ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी, ज्ञापन फॉर एवरीथिंग, ज्ञापन किड्स एकेडमी, ज्ञापन हेल्थ एकेडमी, ये सभी चैनल अपने हैं। और कुछ भी मतलब मान के चलिए कि जो कुछ भी वीडियो छोड़ा जा रहा है आप लोग देख भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो को प्यार भी दे रहे हैं, इसके लिए मैनी मैनी थैंक्स। तो फिर मैं कहना चाहूँगा
कि इस वीडियो को दोस्तों में खूब बढ़िया से शेयर कर दीजिए ताकि दोस्त भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।